तो माइनक्राफ्ट में जब से 1.19 का अपडेट आया तब से एक्सपी के सोर्स बहुत कम हो गए हैं, लेकिन एक्सपी की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है बुक्स को इंचेंट करने के लिए। अगर हमें अच्छी एक्सपी का सोर्स चाहिए होता है तो हमें बहुत भारी भरकम फार्म बनाने पड़ते हैं, और हमारे लिए स्टार्टर गेम में उतने रिसोर्स होते नहीं हैं और उसे बनाना भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो ऐसे में तुम्हें कोई मॉब स्पॉनर मिल जाए तो उससे अच्छा एक्सपी का सोर्स बन जाता है, रेट भी अच्छे मिलते हैं और रिसोर्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मॉब स्पॉनर एक्सपी फार्म। तुम इसे जॉम्बी या स्केलेटन के स्पॉनर पर बना सकते हो और बहुत ढेर सारी एक्सपी ले सकते हो। तो अब बस तुम्हें एक मॉब स्पॉनर ढूंढना है। अगर तुम्हें मॉब स्पॉनर नहीं मिल रहा है तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे मॉब स्पॉनर ढूंढना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लो तुम्हें ये सब रिसोर्सेस चाहिए होंगे फार्म बनाने के लिए जो मेरी इन्वेंट्री में है इस समय। ये तो थोड़े ज़्यादा ज़्यादा हैं, तुम्हें कम भी चाहिए होंगे। और अब तुम्हें सबसे पहले एक मॉब स्पॉनर ढूंढ लेना है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने मॉब स्पॉनर पर जाना है। तो सबसे पहले जब तुम स्पॉनर ढूंढ लो तो तुम्हें वहाँ पर आके टॉर्च लगा देनी है, वरना मॉब्स बार बार स्पॉन होके तुम्हें परेशान करेंगे, और अगर कोई मॉब आसपास है मार देना है तुम्हें। मर गया उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे दो चेस्ट होंगी, उन्हें तोड़ लेना है, और कोई तुम्हारा काम का सामान हो तो उसे रख लेना है। बस अब तुम्हारा काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें चारों ओर मॉब स्पॉनर के चारों ओर देखना है कि चार चार ब्लॉक का गैप हो। तो इधर 1, 2, 3 ही ब्लॉक का गैप है, तो हम लोग ये वाली वॉल इतनी तोड़ देंगे, पूरी हटा देंगे। इधर भी देख लो 1, 2, तो इधर से 2 ब्लॉक जाएंगे, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ नहीं है तो हमें यहाँ पे वॉल बनानी पड़ेगी। तो और हाँ, यहाँ से किसी कोने में आ जाओ, यहाँ से नीचे से मॉब स्पॉनर के 3 ब्लॉक नीचे भी जाना है, 1, 2, 3। बस अब तुम्हें पूरा रूम जैसे मैंने बताया वैसे खाली कर लेना है। सो गाइस देखो, मैंने पूरा रूम डिग कर लिया है। ये 9 बाई 9 चौड़ा है, 9 बाई 9 लंबा है, और 7 बाई 7 का ऊंचा रूम है। अब इसके बाद तुम एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेना, क्योंकि तुम्हें 4 बकेट वाटर चाहिए होगा, जिससे कि हमारे जो मॉब्स हैं वो फिसलते हुए हमारे जहाँ पर किलिंग चेम्बर तक जाएंगे उस गड्ढे में चले जाएं। तो तुम्हें करना क्या है, चारों तरफ एक एक बकेट वाटर डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये देखो, यहाँ बीच में एक होल हो गया। अब तुम्हें यहाँ से 15 ब्लॉक्स नीचे चले जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 15 ब्लॉक नीचे आ जाओ। तो तुम्हें अब अपने लिए एक रूम बनाना है, ये क्योंकि यहाँ पे हमारा किलिंग चेम्बर होगा। तो मैं एक रूम बना लेता हूँ। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टॉर्च लगा लेना जिसमें यहाँ पर मॉब्स स्पॉन ना हो। देखो, तुम्हें ऐसे बना लेना है पूरा रूम, ये 2 ब्लॉक यहाँ पर लगे रहने देने हैं। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर तुम्हें डिग करना है 2 ब्लॉक, यहाँ पे 2 चेस्ट रख देनी है, इसके ऊपर हॉपर लगा देना है, देख लो कनेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे रख देना है एक स्लैब जिसमें छोटा वाला जॉम्बी अटैक ना कर पाए, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना है, और यहाँ पर भी स्लैब रख देना है, यहाँ पर भी। इससे होगा क्या, अब तुम्हारे ये एक्सपी किधर भागेगी नहीं, और तुम्हें यही दूर से मार के एक्सपी ले लेनी है। अब तुम्हें यहाँ से जाना है ऊपर डिक करते हुए जब तक पानी ना आ जाए। अब तुम्हें यहाँ पर एक ट्रैप डोर लगा देना है बस, जिसमें पानी नीचे ना जाए। बस यहाँ पर ट्रैप डोर लगा दिया, से लैडर लगाते हुए ऊपर आ जाना है।
यहाँ ऊपर आ गए, अब तुम्हें यहाँ नीचे वापस आ जाना है। अब ये तुम्हारा AFK स्पॉट हो जाएगा। अगर तुम्हारे ज़ॉम्बीज ना स्पॉन हो तो तुम यहाँ से जाके AFK कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बनाना है। अब यहाँ से पूरा बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक रास्ता बना लेना है। अब देखो यहाँ पे टॉर्च लगाते हुए चलना, जैसे यहाँ पर ऐसी केव्स आए तो उन्हें कवर करते हुए चलना, वरना मॉब्स तुम्हें मार सकते हैं। अब जब तुम्हारा ये रास्ता बन जाए, तुम्हें लैडर लगाते हुए ऊपर चले जाना है। फिर यहाँ पे आके एक ट्रैप डोर लगा देना है। अब तुम्हें अपने फार्म पर जाने के लिए बार बार नीचे डिग करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें फार्म को एक्टिव करने के लिए ऊपर आना है, और ये स्पॉनर पे जितनी भी टॉर्च लगी हैं तोड़ देनी है, और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तब मॉब्स स्पॉन होंगे। टॉर्च लगी हैं इसलिए अंधेरा नहीं हो रहा है। और इस स्पॉनर के ऊपर एक स्लैब भी लगा देना, इससे मॉब्स इसके ऊपर स्पॉन नहीं होंगे। वो देखो स्केलेटन स्पॉन हो गया। अपने गेम मोड को हार्ड रखना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटन स्पॉन होंगे। अब ये देखो स्केलेटन आ गए, अब तुम्हें इन्हें मार देना है। तुम्हें XP भी मिल जाएगी, और ये देखो इसमें सारी लूट इकट्ठा भी हो जाएगी। स्केलेटन वाले स्पॉनर से तुम्हें एक फ़ायदा और है, इससे तुम्हें बोन मिलेंगे जिससे तुम बोन मील बना सकते हो। ये फार्म बनाने से तुम्हें XP की कमी तो कभी नहीं होगी, और तुम्हें ढेर सारे बोन और बाकी सब लूट भी मिल जाएंगे। तुम जॉम्बी का भी सेम इसी तरीके से बना सकते हो, और इससे तुम्हें XP की कमी तो होगी ही नहीं। तो ये फार्म तुम्हें अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 30 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और पूरी वीडियो देख के ही जाना यार, और कमेंट कर दो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। तो ठीक है, बाय बाय। खत्म।